तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे दो तीन बाल जो है बहुत ज्यादा वाइट है, आप देख रहे हैं क्या है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं एक भी बाल अब सफेद नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज एक ऐसी रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को तुरंत से काला कर देगी, और मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखा करें, इसके बिल्कुल भी मत क्या करें, फिर आप मुझसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि मैम इसके अंदर क्या है, सारा कुछ वीडियो में होता है और काफ़ी लोगों के मैं आंसर दे देती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी का आंसर दे दिया करूँ, अगर किसी का रह जाया करें तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देख करें। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपके बालों के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रेइंग हो चुके हैं, प्रीमैच्योर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है 10 पीस वाला पाउच है और ये हाफ पाउच है, तो मैं यहाँ पे हाफ पाउच ऐड करूँगी इसके अंदर। ये आपको बालों के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपके बाल 2 से 4 सफ़ेद हैं या आपके बाल 10 से 12 सफ़ेद हैं, आपका थोड़े में ही काम हो जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है मैम हमारा 40% 80% 100% बाल सफ़ेद है, उसके लिए बता दीजिए। देखिए उसके लिए ये नेचुरल चीज़ काफ़ी टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपके बालों में चढ़ेगी, और क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं होता है। और आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, जो भी मैं सामान बताती हूँ उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तब आप अपने हेयर में लगाइए, और वीक में 2 बार ज़रूर से लगाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो देखिएगा आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिएगा कम बहुत ना के बराबर ही वाइट हेयर है, तो ये देखिएगा ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हमारी दूर कर देती है कॉफ़ी, और बहुत अच्छे से हमारे बालों को काला करती है। और इसमें भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इतना कॉफ़ी ले लिया, ये देखिएगा अब इसमें मैं ऐड करूँगी काला कत्था। काला कत्था हमारे प्री मैच्योर बालों को जो है ब्लैक कर देता है, किसी भी एज में आपके बालों को ब्लैक कर देगा काला कत्था। ये हेयर का कत्था होता है, वो इस तरीके का होता है। मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था इसे फ्रेंड्स, आप चाहे तो बिना रोस्ट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूंगी काला कत्था। काला कत्था 1/2 टेबल स्पून ही करना है हमें। इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब देखिएगा, अब मैं आपको इस रेमेडी के आपके बालों के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं तो आप इसमें इंडिको पाउडर ऐड कर लीजिए, 2 टेबल स्पून इंडिको पाउडर ऐड कर लीजिए, और आपको इसमें जो है इंडिको पाउडर अपने बालों के अकॉर्डिंग कर लीजिए। वाइट है तो आप 3 से 4 चम्मच के करीब इंडिको पाउडर ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और उसमें आप एक नींबू डाल लीजिए। देखिएगा मैं इसी से ही आपको ब्लैक करके दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने आपसे बताया कि वाइट नहीं है, तो इसी रेमेडी से ही वाइट हमारा जो है ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कम हेयर जब होते हैं तो नेचुरल तरीके से ब्लैक हो जाते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिएगा, ये हम लेंगे यहाँ पर एलोवेरा जेल, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून इस तरीके से, ये देखिएगा इतना मैं लूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, तो ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। ये देखिएगा ये रेमेडी हमारे बहुत अच्छे से बालों को ब्लैक कर देती है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा जेट ब्लैक कलर आया है, इस तरीके से आपके आएगा। अगर आपके बालों की क्वांटिटी सफ़ेद जो है बहुत कम है तो आप इस तरीके से लगाइए, ज़्यादा है तो इंडिको आपको ज़रूर से डालना होगा, क्योंकि देखिएगा नेचुरल रेमेडीज़ में कोई कलर या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, तो आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर तो इसी से ब्लैक हो जाएंगे। आप ज़रूर से वीक में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिएगा ये बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख लीजिए इस तरह की आपको रखनी है तो चलेगा। मैं वाइट हेयर में आपको दिखा देती हूँ लगा के। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे 2-3 बाल जो है बहुत ज़्यादा वाइट है, आप देख रहे हैं, चलेगा। अब मैं आपको इसी पे लगा कर दिखाती हूँ। देखिएगा इस तरीके से मैं ब्रश में ले लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2-3 बाल सफ़ेद थे, मैं इन्हीं में आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा वो लगा लेना है और पूरी तरीके से 3 से 4 बार में कवर कर देना है। ये देखिएगा इस तरीके से, और आपको 3 से 4 बार इसे लगाना है। उसके बाद में आपको नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, और अगर आप इसमें इंडिगो डालकर लगाते हैं तो आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। 2 दिन के बाद ही आपको शैम्पू इस्तेमाल करना है। तो चलेगा मैं इसे ड्राई करने के बाद दिखाती हूँ। हेयर वॉश कर दिया है और इस तरीके से आप देख रहे हैं एक भी बाल अब सफ़ेद नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छे से इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरीके से ही आपके हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो रेमेडी अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।